The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे वेजिटेरियन डाइट के कई सारे फैक्ट और मिथ्स के बारे में। वेज लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डाइट, नॉन वेज लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कई दुनिया भर के लोग जो हैं वो मानते हैं और कहते हैं और बोलते हैं कि कतई सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, बल्कि वेगन खाना चाहिए, दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि वही सबसे हेल्दी है, वही हेल्दी है। तो क्या वेजिटेरियन मील्स या वेज खाना, मीट मच्छी या नॉन वेज खाना बंद कर देना अच्छा है, अच्छा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, और कई सारे एक्चुअली में दुनिया भर के अथॉरिटीज़ के द्वारा भी माना गया बिल्कुल वेगन या ऐसे फूड जो हैं न्यूट्रिशनली प्लांट बेस्ड फूड्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कई सारी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा जो बहुत ओवर ईटिंग के वजह से, बहुत ज़्यादा कैलोरीज के वजह से होती हैं, आप अपने कई सारे न्यूट्रिशनल नीड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे कई सारे नीड्स प्लांट्स के थ्रू पूरे कर सकते हैं। बिल्कुल सच बात है, कई बीमारियों से जो लाइफस्टाइल बैड लाइफस्टाइल से होती हैं बच सकते हैं। पर वेजिटेरियन लाइफस्टाइल के साथ में कई सारे मिथ भी इंक्लूडेड है, कई सारे सच्चाइयाँ भी हैं। सुनते समझते हैं क्या है। पहला ओवर लोग कहते हैं वेजिटेरियन डाइट्स में या वेगन डाइट्स में इनफ प्रोटीन नहीं है। ये एक्चुअली में थोड़ा सा इनकम्प्लीट बात हो गई। प्रॉब्लम इज नॉट प्रोटीन्स फॉर देम। देखिए, जहाँ मीट मच्छी में प्रोटीन के साथ बहुत ज़्यादा उनको साथ मेल के बोल दिया जाता है इसमें प्रोटीन है, वो बोला इसलिए जाता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की या कोई और न्यूट्रिएंट की मात्रा उतनी नहीं है जितना प्रोटीन है, समझ रहे हैं, ये पॉइंट है। तो नॉर्मली जो लोग होते हैं, कई सारे लोग हैं अपने असेशन न्यूट्रिएंट प्रोटीन सप्लीमेंट प्रोटीन को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, कईयों को पता भी नहीं क्या है क्या नहीं है, ये कई ध्यान भी नहीं देते। सो सवाल पैदा होता है, क्या आपके शरीर को वेजिटेरियन फूड से आसानी से पूरी तरह से प्रोटीन मिल सकता है या नहीं? तो बिल्कुल मिल सकता है अगर आप एक अच्छा वेल प्लान्ड वैरायटी ऑफ फूड के साथ अपना डाइट डिजाइन करें। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स से आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स में फायदा क्या है, उनके अंदर ज्यादा मात्रा में फाइबर है, डाइट्री फाइबर है, लेस मात्रा में फैट है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मात्रा में कार्ब्स हैं। सो दिस इज द आइडिया प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के। सो इस फैक्टर्स की उसके अंदर फैट कम है, फाइबर ज्यादा है, दोनों हार्ट के लिए ज्यादा अच्छा है, इसलिए हार्ट की बीमारी वाले के लिए वेजिटेबल्स खाना, वेजिटेरियन मील्स खाना कतई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो वेगन सोर्सेस क्या है प्रोटीन के, जो लोग ओवो लैक्टो वेजिटेरियंस हैं, जो ना ओवो लैक्टो का मतलब है लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस, जिसका मतलब है कि भाई आप अंडा भी खा सकते हैं, डेयरी फूड भी खा सकते हैं, वो दो अंडा और दूध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है प्रोटीन का। जो नहीं खाते हैं, जो वेगन्स हैं, जो दूध भी नहीं पीते, जो अंडा भी नहीं खाते, वो स्लाइटली प्रोटीनियस फूड्स जो कई सारे उनके होते हैं, कुछ प्रोटीनियस फूड्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि दालें, हर दाल में आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलेगा बट उसमें कार्ब्स डबल होंगे, और होल ग्रेन में भी आपको प्रोटीन मिलेगा कम मात्रा में, दालों से आधा होगा अप्रोक्सीमेटली, और कार्बोहाइड्रेट दालों से डबल होगा, तो मतलब 4 गुना ज़्यादा 8 गुना ज़्यादा कार्ब्स हैं प्रोटीन से। लेकिन इसलिए क्वांटिटी ऑफ ग्रेन शुड बी लेस, लेग्यूम्स यानी दालें शुड बी मोर, प्लस अगर अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन योर एक्टिविटी, अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो कार्ब्स आप आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, अगर इनएक्टिव लाइफस्टाइल है तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सो प्लांट फूड्स में जो प्लांट फूड है उनके अंदर क्या है, कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ें होती हैं, प्लांट के सेल वॉल होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्लांट को डायरेक्ट डाइजेस्ट करना है उसको करने में, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इसी चीज़ के वजह से आप दालों को पका के, रात भर भिगो के, फलाना फलाना तरीके से दुनिया भर के जमाने से आप खाते आए, तो ये बातें आपको जैसे आप खाते हो वैसे खाने, कुछ ज़्यादा चेंजेस करने हैं नहीं, ठीक है, ओके। और जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्लांट बेस्ड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो आपकी डाइट में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आपको, दाल खाना है, क्या खाना है गुरंश, दाल आपको खाना है, बीन्स, लेंटिल्स, पीज, पीनट, सोय प्रोडक्ट्स आप खा सकते हैं, होल ग्रेन नट्स और सीड्स खा सकते हैं, ठीक है। हाई प्रोटीन वेगन ऑप्शंस अगर आप ढूंढ रहे हैं वेगन, तब आप जा सकते हैं टोफू, कई सारे बीन्स हैं, कई सारे आपके लेंटिल, चलिए सब तो बकवास, बीन्स, टोफू, ये चीज़ें हैं दालें आपके लिए ऑप्शंस हैं वेगन के लिए। और आप अगर मिथ सेकंड की बात करेंगे कि कई लोग कहते हैं कि आपको दूध पीना बहुत जरूरी है अगर आपको हड्डियां स्ट्रांग करनी है, तो
देखिए कायदे से ये ओवरऑल एक पत्थर पे लिखी लकीर नहीं है, ये ऐसा नहीं है दूध पीने वालों की हड्डी स्ट्रांग ही रहेगी या दूध नहीं पीते तो हड्डी स्ट्रांग नहीं होगी। ऑल्दो मिल्क इज अ गुड थिंग, और ऑर्थोपेडिशियंस बहुत बोलते हैं कि हड्डियों के लिए दूध पीना बहुत जरूरी है, दूध पीना जरूरी है, है? जरूरी है, देखो बोल दिया तो है। सो डेयरी बट इट इज नॉट द ओनली फूड दैट कैन हेल्प बिल्ड योर बोन्स, राइट? दैट इज नॉट, एक बहुत सारी और चीजों में भी आपके क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है प्लांट फूड्स में, इट इज, देखो लेट्स सी, सोया मिल्क में कैल्शियम है, ब्रोकली में है, बॉक चॉय में हो कैल्शियम, टोफू में है, इसके अलावा कई सारी सीड्स में है, आपको सौंफ में मिलेगा, आपको बथेरी दुनिया भर की सीड्स में मिलेगा, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा, आपको अपने घर में जो खा रहे होल ग्रेन्स में मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों में है। बट द ओनली इशू इज स्पिनिच रुआब उसके अंदर भी है, लेकिन उनके अंदर थोड़े ऑक्सलेट की मात्रा भी ज़्यादा है, ऑक्सलेट, हाई ऑक्सलेट फूड जो है कई बार, कई बार उससे क्या हो जाता है, कई बार कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इशू आ सकता है या कैल्शियम किडनी स्टोन्स में, कैल्शियम ऑक्सलेट किडनी स्टोन्स में इशू हो सकता है। सो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट, टेकिंग मिल्क इज कैन बी एडिशन या फिर एक बैलेंस डाइट लेना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। वट आर द, वट इफ यू आर फॉर गोइंग डेयरी, अगर आप भैया दूध नहीं पीना चाहते हैं कतई, तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप कई सारे दूसरे भी चीजें हैं, आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप मशरूम्स है, उल्टे सीधी चीज़ें हैं दुनिया भर के, आप कैल्शियम को अपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा, विटामिन डी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके डाइट में होना चाहिए, विटामिन डी के लिए धूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे धूप के अलावा, धूप के अलावा, धूप 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 दुनिया जाती नहीं है धूप में, क्या कर सकते हैं बताओ, इफ़ पीपल डोंट गो आउट, उनको विटामिन डी का सप्लीमेंट देना पड़ेगा, और वो धूप में योगा, रनिंग, ब्रिस्क वॉक, फलाना फलाना चीज़ें कर सकते हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम भी दोनों की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है? सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके अलावा कई लोगों के पास में एक दूसरा मिथ होता है कि अगर आपने ज़्यादा सोया खाया तो आपको ईस्ट्रोजन बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? वेगन्स या वेजिटेरियंस के लिए सोय प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं टू प्रोटीन या कैल्शियम के रिक्वायरमेंट के लिए, फोर्टिफाइड सोय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, और कई सारे प्रकार के कैंसर्स में ये एक्चुअली में हेल्प करते हैं, दे डोंट कॉज कैंसर, दे एक्चुअली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर, याद रखिएगा। सोय आपके नहीं, फाइटो ईस्ट्रोजन लेवल्स जो सोय में होता है वो आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल्स या टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को कोई फर्क नहीं करता, जिस डाइट में आप जितना खाओगे उसके हिसाब से, नो मैटर आप कितना डाइट में खा सकते हैं, आप अपना प्रोटीन सोर्सेज जो हैं उसके अंदर सोय को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेरियन डाइट्स जो है, एक बोलते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में, चाइल्डहुड में, एक एथलीट के लिए काफ़ी नहीं है, एथलीट है तो चिकन मटन खाना पड़ेगा, अंडा वंडा खाना पड़ेगा। देखिए, एक वेल प्लान्ड होना बहुत ज़रूरी होता है वेजिटेरियन या वेगन डाइट का, आपके किसी भी लाइफ के स्टेज हो, किसी भी तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे प्रेगनेंसी में डेढ़ गुना आपके न्यूट्रिशियस रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, या चाइल्डहुड में है, या हाई एक्टिविटी कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स में है, तो आप अपने डाइट को उसके हिसाब से, नॉलेज हो तो प्लान कर सकते हैं, डाइटिशियन से प्लान करवा सकते हैं, एक बहुत अच्छे कई सारे दुनिया भर के ऑप्शन हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन नहीं करेंगे आपका, कि वेजिटेरियन फूड आपके रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा। एक प्रेगनेंसी के दौरान कई बार आपके B12 की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कई सारे आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, और इन सारी चीज़ों को एक अच्छे प्लांट बेस्ड सोर्सेज से और थोड़े बहुत सप्लीमेंटेशन से आप आराम से पूरा कर सकते हैं। तो याद रखें, प्रेगनेंसी के दौरान भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं, तो भी आप बीन्स है, अपना सीड्स हैं, बीज हैं, वो सब आप ले सकते हैं, और इन्फेंट हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के लिए भी डाइट में ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्लांट प्रोटीन, फाइबर्स आर ऑल्सो वेरी गुड, उनके भी जंक फूड फंक फूड थोड़े कम करके ये सब खिलाओ, ज़्यादा अच्छा है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैरायटी ऑफ फूड जितना रहेगा उतना ज़्यादा, फोर्टिफाइड फूड्स आप दे सकते हो, फोर्टिफाइड ग्रेन्स दे सकते हो, कई सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, वेजिटेरियन ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आपको गाइडेंस चाहिए। एथलीट्स के लिए भी कई बार बोलते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ओमेगा 3 ज़्यादा चाहिए, और ये ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है उसके पूरे करने के, वेजिटेरियन सोर्सेज में केवल एक ही चीज ज्यादा होती है, उसको कहते हैं कार्ब्स। सो कार्ब्स को, ज्यादा कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा मेहनत चाहिए, और आप जो मर्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज समथिंग इज वेजिटेरियन इट मींस हेल्दी, ऐसा नहीं है, ठीक है? वेजिटेरियन वेगन ऑटोमेटिकली हेल्दी वर्ड से सिनोनिम नहीं होना चाहिए। का क्या आवाज आई भाई, कह नहीं, चलो। सो वेजिटेरियन फूड्स में भी दे कैन बी वेरी हाई इन शुगर, दे कैन बी हाई इन सोडियम, दे कैन बी हाई ऑन ऑयल्स, बिकॉज तली हुई भी हो सकती है। सो डजंट मीन कि भाई अगर आप मीट खा रहे हैं तभी आज ज़्यादा होगा, वेजिटेरियंस कैन बी वेरी वेरी
मोटा ऑल्सो है ना, सो मोटा नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना. सो दैट इज द बेस्ट वे. व्हाट इज द बेस्ट वे? बेस्ट वे इज टू बी बैलेंस्ड, टू ईट अ बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड लाइफ चाहिए. तो आपको बहुत सारे, जितना ज्यादा हो सके उतने फ्रूट्स खाने, वेजिटेबल्स खाने, होल ग्रेन्स खाना है, लीन प्रोटीन फूड्स खानी है. और बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई चीज बाहर से लेके खाते हो उसका न्यूट्रिशन लेबल पढ़ें. कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कार्ब ही कार्ब भरे हैं, उसमें फैटी फैट भरा है, आप पता नहीं कहाँ हेल्दी समझ के उसको दबा के शुगर ही शुगर है, सोडियम ही सोडियम खाए जा रहे. सो रिमेंबर, नो एक्सेस, लो कार्ब, लो फैट, लो शुगर, लो सॉल्ट, हाई वाटर, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन डाइट is what is the requirement of you. Doesn't matter if it is vegetarian, if it is non-vegetarian, you can make it happen. Can you make it happen? Say yes. Chalo, thank you so much. Please like the video. Yes. Tell them I like the video. I like the video. And share the video. Okay. Tell them to share the video. Tell them to share the video. Oh ho, chal koi.